और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान शनिवार की रात बरगी जनपद के रीमा ग्राम में मतदान के बाद चल रही मतगणना को लेकर विवाद हो गया। हालात ऐसे बने कि आक्रोशित लोग जबरन मतदान केंद्र के भीतर घुसने लगे, जिसके चलते पीठासीन अधिकारी डर गए और इसी कारण मौके पर मौजूद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस भगदड़ में एक युवक गिर गया। ग्रामीणों का कहना है कि उसे गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद सीएसपी युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना चाहती थी, पर परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। पूरे घटनाक्रम में जिस युवक को चोट आने की बात कही जा रही है, उसका नाम प्रभात बताया जा रहा है, जिसके इलाज के लिए पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करवाया है। वहीं स्थानीय विधायक संजय यादव का कहना है कि 45 वोट को लेकर कुछ हेरफेर किया जा रहा था और यही वजह थी कि विवाद हो गया। सूचना के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने तुरंत ही सीएसपी प्रियंका शुक्ला को मौके पर जांच के लिए भेजा। फिलहाल घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विधायक संजय यादव ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिस पर एसपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। मौके पर स्थिति अब सामान्य बताई जाती है। वहीं मामले में सीएसपी बरगे का कहना है कि किसी भी प्रकार का बल नहीं प्रयोग किया गया है और ना ही कोई घायल हुआ है। जो व्यक्ति अपने आप को गंभीर रूप से घायल बता रहा है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। स्थानीय लोग जानबूझकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।